वेलकम, आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे हमने वायुमंडल शुरू किया था, तो वायुमंडल में हमने वायुमंडल की प्रमुख संरचना संगठन वो देखा था, ठीक है। उसके अलावा हमने वायुदाब की पेटियां देखा, एक्सप्लेन। उसके अलावा वायुदाब की पेटियों के बाद हमने जो ग्लोबल विंड्स हैं, ठीक है, उनके बारे में चर्चा की थी। उनके बाद चर्चा के बाद आज का हमारा जो टॉपिक है, विश्व के प्रमुख गर्म और ठंडी स्थानीय हवाओं का। तो ये भी अक्सर पूछी जाती है कि कौन सी गर्म हवाएं, कौन सी ठंडी हवाएं, उन जो स्थानीय हवाएं, उन हवाओं को मतलब वो स्थानीय हवा कहाँ कहाँ चलती है, ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक हम इन्हीं को लेकर के हैं, विश्व के प्रमुख गर्म यानी गर्म हवा और ठंडी हवा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, गर्म हवाओं को बताने के लिए रेड कलर का एरो बनाया है, और ठंडी हवाओं को बताने के लिए मैंने ब्लू कलर का एरो बनाया है। ठंडी हवा, ये सभी हवाएं स्थानीय है, ग्लोबल विंड्स नहीं है, ध्यान रखना, ठीक, ग्रही पर पौने नहीं है, ये सब स्थानीय है, लोकल चलती है अपने हिसाब से। और ये गर्म और ठंडी, यानी कुछ ऐसी पौने जो गर्मी में उत्पन्न होती है, कुछ शीतकाल में उत्पन्न होती है। शुरू करते हैं, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सी पौन कहां पर चलती है, ठीक है। शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका की पौनों से। उत्तरी अमेरिका की पौनों में बात करते हैं पहले गर्म पवन की। गर्म पवन कौन कौन सी, उत्तरी अमेरिका में गर्म पवन की बात करें तो ये जो गर्म पवन है वो है चिनुक। कौन सी, चिनुक। कौन सी पवन है, चिनुक। चिनुक यहां पर जो रॉकीज पर्वत है, कौन सा पर्वत, रॉकीज पर्वत को पार करके ये चढ़ती है, ठीक है। चिनुक को हिम दक्षिणी भी कहा जाता है क्योंकि ये पवन गर्म है। जैसे ये पवन यहां पर उत्तर की ओर आती है, शीतकाल में उत्पन्न होती है, ठीक है, तो ठंड यहाँ से जो बर्फ जमी होती है उन बर्फ को क्या कर देती है, पिघला देती है। क्या कर देती है, पिघला देती है, चिनुक पवन है। दैट्स क्लियर। तो चिनुक पवन कहां पर, गर्म प्रकार की पवन है, ठीक है। रॉकीज को पार करके ये पश्चिम से पूर्व की ओर आती है अमेरिका में, रॉकीज को पार करके ये आती है हिमदक्षिणीय। गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है, ठीक है, गेहूं की फसल के लिए ये पवन क्या है, लाभदायक है। नेक्स्ट अगली फसल है मध्य अमेरिका के यूएसए के मैदान में चलती है, जिसे बोलते हैं ब्लैक रोलर। क्या कहा जाता है, ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर कहा जाता है। दैट्स क्लियर। तो ब्लैक रोलर मध्य अमेरिका में चलती है, मध्य अमेरिका के मैदान में। नेक्स्ट अगली गर्म पवन है वो है सांता आना। कौन सी पवन, सांता आना, यहां पर लिख रहा हूं मैं, सांता आना या सेंटे आना, बात एक ही, ठीक है। सेंटे आना भी इसी को कहा जाता है। ये कैलिफोर्निया में चलती है, कहां पर चलती है, कैलिफोर्निया वाला पार्ट में चलती है सांता आना। ये भी गर्म पवन है। उसके बाद ठंडी पवनों की बात करते हैं। ठंडी पवनों की जब बात करें तो ये कनाडा वाला पार्ट जो है, उत्तरी कनाडा वाला पार्ट, ठीक है, कनाडा वाला पार्ट में और ग्रीनलैंड वाला पार्ट में, यहां पर जो चलती है वो चलती है ब्लीजार्ड। कौन सी, ब्लीजार्ड। और ब्लीजार्ड जो पवन है वो ठंडी पवन है, ठीक है, कैसी है, ठंडी पवन है, ध्यान रखना, ब्लू कलर की वो ठंडी हवा है। उसके अलावा अमेरिका में चलती है ठंडी, वो है नॉर्दर। कौन सी चलती है, ये है नॉर्दर, ठीक है, नॉर्द या नॉर्दर जो चलती है वो टेक्सास वाले पार्ट और मेक्सिको वाले कुछ भाग में या पश्चिम मेक्सिको में ये चलती है, नॉर्दर या नॉर्डर या नॉर्ड। उसके अलावा मेक्सिको में जो चलती है, मध्य मेक्सिको में, वो है पापागयो, ठीक है, मेक्सिको में कौन गया, पापागयो, ठीक है, मेक्सिको में पापागयो हवाएं ठंडी हवा है। तो ये बात हुई उत्तरी अमेरिका की प्रमुख स्थानीय हवाओं की। नेक्स्ट दक्षिण अमेरिका की प्रमुख हवाएं बात करते हैं गर्म और ठंडी की। पहले गर्म कर बात कर लेते हैं। गर्म में है जोंडा। कौन सी, जोंडा। जोंडा गर्म पवन है, अर्जेंटीना में चलती है। कहां पर चलती है, अर्जेंटीना में चलती है। जोंडा अर्जेंटीना में चलती है, गर्म पवन है। किसी पवन है, गर्म पवन है, ठीक है। नेक्स्ट अगली दक्षिण अमेरिका की पवन है वो है आपके फ्राइचेन। फ्राइजेम कहां पर चलती है, फ्राइजेम चलती है ब्राजील में। फ्राइजेम ब्राजील में चलती है, ठंडी हवा, इस तरह की हवा ठंडी हवा। उसके अलावा नेवाडोस, अगली पवन है नेवाडोस, यहां पर लिख रहा हूं नेवाडोस। नेवाडोस जो पवन है वह किसको पार करके आती है, एंडीज को पार करके आती है, ठीक है,
एंडीज को पार करके थे, अमेजन बेसिन वाला पार्ट है, पेरू इक्वेडोर वाला पार्ट में हवाएं चलती है नेवाडोस की। उसके अलावा पेम्पर, अगली हवाएं पम्पेरो या पेम्परो, ये चलती है अर्जेंटीना के पंपास के जो मैदान है, पंपास का शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, वहां पर पम्पेरो हवा चलती है और ये ठंडी हवा है। कैसी है? शीतल हवा, शीत हवा है, ठीक है, ठंडी और शीत हवा। ये दक्षिण अमेरिका की हवाओं की, स्थानीय हवाओं की बात होगी। अब बात करते हैं अफ्रीका की हवाओं, किसकी? अफ्रीका की। अफ्रीका के दक्षिणी भाग में आप जो देख रहे हो ठंडी हवाएं हैं, जिसे बोलते हैं केप डॉक्टर, जो दक्षिण अफ्रीका में चलती है। कहां पर चलती है केप डॉक्टर? दक्षिणी अफ्रीका में चलती है, ठीक है। केप डॉक्टर के बारे में एक और चीज भी कहा जाता है, इसे केप डॉक्टर को कहा जाता है, ठीक है। ये केप डॉक्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका में चलने वाले केप डॉक्टर को। नेक्स्ट अगली पवन है अफ्रीका की, ठंडी हवा की बात करते हैं, हबू। कौन सी? हबू। हबू हबू कहां पर चलती है? सूडान में। हडू हबू कहां पर चलती है? सूडान वाले भाग में चलती है हबू, ठंडी हवा। उसके अलावा गर्म हवा है कहां पर? अफ्रीका में। कौन कौन सी बात करते हैं, ठीक है, तो अफ्रीका में और गर्म हवाओं की बात करते हैं, तो सिरोको, सहारा के मरुस्थल से सिरोको शुरू होती है और उत्तर से बहती हुई ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर बहती हुई इटली वाले पार्ट तक चली जाती है। कहां तक? इटली वाले भाग तक चली जाती है। तो जो सहारा के मरुस्थल से शुरू हुई है सिरोको, वो भूमध्य सागर को पार करके जब यहाँ के कणों को ले जाती है इटली में, जब वो हवा बहती है तो वर्षा की बूंदों के साथ वहां हवा में रक्त वर्षा, लाल लाल अम्ल वर्षा होती है। क्या होती है? अम्ल वर्षा, लाल लाल कणों के साथ। तो इसलिए इटली में इन हवाओं से वर्षा होने वाली को क्या होता है? ब्लड रेन। क्या कहा जाता है? ब्लड रेन। सिरोको से जो वर्षा होती है इटली में, उसे क्या कहा जाता है? ब्लड रेन, रक्त वर्षा कहा जाता है। तो रक्त वर्षा कौन सी हवा करती है? तो सिरोको करती है। कौन सी करती है? सिरोको करती है। सिरोको को अफ्रीका में स्थानीय नामों से भी जाना जाता है, जैसे मिश्र में इसे खमसीन बोलते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र में खमसीन कहा जाता है, मिश्र में सिरोको को खमसीन कहते हैं। लीबिया में इसे गिबली बोलते हैं, लीबिया में इसे क्या कहा जाता है? गिबली कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा सहारा के मरुस्थल में सिरोको भी कहते हैं। उसके बाद ट्यूनिशिया में, ये ट्यूनिशिया वाला पार्ट, ठीक है, ट्यूनिशिया में इसे कहते हैं चिली, ट्यूनिशिया में इसे चिली कहा जाता है। इटली में इसे सिरोको, क्या कहा जाता है? सिरोको कहा जाता है। उसके अलावा इसी पवन को, सिरोको को, यहां पर, ठीक है, मेडिरा स्पेन में, लेस्ट या केनारी द्वीप मेडिरा, ठीक है, ये स्पेन वाला पार्ट में से लेस्ट या लेवचे, लेस्ट या लेवचे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये अफ्रीका की प्रमुख पवने की बात हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली हवाएं यूरोप की, किसकी? यूरोप की। यूरोप में जो ग्रीनलैंड वाला पार्ट में है यहां पर आती है, ठीक है, उसको बोल सकते हैं ब्लिजार्ड की हवाएं। कौन सी हवाएं? इन नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला पार्ट में जो ठंडी हवाएं चलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ब्लिजार्ड। कौन सी? ब्लिजार्ड, ठीक है, जो ग्रीनलैंड में चलती है। फिर नेक्स्ट यूरोप के और हवाएं, जैसे स्पेन और फ्रांस में जो चलती है, ये फ्रांस वाला पार्ट, ये स्पेन वाला पार्ट, वहां पर जो चलती है ठंडी हवाएं लेवेंटे। कौन सी? लेवेंटे, ठीक है। उसके अलावा आपको बता दूं यूरोप में जो गर्म हवाएं ये जो दिख रही है, ठीक है, जो आल्प्स को पार करके उत्तर की ओर जाती है, आल्प्स को पार करके उत्तर की ओर जो बहती है, इन हवाओं को कहा जाता है फोन। कौन सी हवाएं कहा जाता है? फोन हवाएं। फोन गर्म हवाएं। किस तरह की हवाएं? गर्म हवा है फोन, ठीक है। यह भी चिन्हों की तरह का है, यानी बर्फ को पिघला देती है स्विट्जरलैंड वाले पार्ट में। यह शीतकाल की जो अच्छी कह सकते हैं कि जलवायु पाई जाती है वो फोन हवाओं के कारण ही पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगली हवा है बोरो। कौन सी? बोरो। हाँ, बोरो कैसी है? बोरो ठंडी हवा है, ठीक है, जो यूगोस्लेविया वाला पार्ट में, इटली वाला पार्ट है, एड्रियाटिक तट के सारे सारे बहने वाली बोरो हवा होती है, ठीक है। बोरो यूगोस्लेविया यूरोप में बहने वाली ठंडी हवा है, ठीक है, जो शीतकाल में उत्पन्न होती है। कब उत्पन्न होती है? शीतकाल में उत्पन्न होने वाली ये हवा है। नेक्स्ट उसके अलावा अगली हवा है, यहां पर आप जो देख रहे हो बोरो होगी, फोन होगी, लेवेंटे होगी, और ये है आपके मिस्ट्रल। कौन सी? मिस्ट्रल। फ्रांस में ये बहती है,
और भूमध्य सागर की फ्रांस से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली या आल्प्स के सारे सारे बहने वाली या रोन नदी घाटी के सारे सारे बहने वाली जो हवाएं वो मिस्ट्रल हवाएं। कौन सी? मिस्ट्रल। मिस्ट्रल ठंडी हवाओं में गिनी जाती है, इसकी गणना यानी ये ठंडी हवा है मिस्ट्रल। उसके अलावा हम बात करते हैं, ये पार्ट है अरब का प्रायद्वीप, ठीक है। यहाँ पर जो चलती है वो चलती है सिमूम। कौन सी हवा? सिमूम। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, सिमूम हवा चलती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो चलती है ईरान, इराक वाले पार्ट में, यहाँ पर चलती है सामून। कौन सी हवा? सामून। उसके अलावा ईरान के पूर्वी, ईरान के पूर्वी भाग में जो हवा चलती है, हवा चलती है गर्मी की ऋतु में चलती है, जिसे बोलते हैं सिस्टन हवा। क्या कहते हैं? सिस्टन हवा कहा जाता है, ठीक है, जिसे 120 दिन की हवा भी कहते हैं, ठीक है। सिस्टन हवा जो गर्मी में चलती है, या इसे 120 दिन की हवा भी कहा जाता है सामून। उसके अलावा अफ्रीका में एक हवा रहती है हरमट्टन, ठीक है। हरमट्टन हवा अफ्रीका में चलती है, जो गिनी के तट के और नाइजीरिया वाला पार्ट में, ये भाग में चलती है गिनी के तट के साथ साथ, ठीक है। यानी गिनी तट तक जाती है, गिनी खाड़ी में तक जाती है, नाइजीरिया गिनी घाना इन देशों में चलती है, ठीक है। इसे बोलते हैं हरमट्टन हवा, और इसको डॉक्टर कौन कहते हैं। हरमट्टन को क्या कहा जाता है? डॉक्टर कौन, क्योंकि इन हवाओं में पहले यहाँ उमस ज्यादा होती है गर्मी के, पर जैसे ही हवा चलती है उस कारण से पूरी गर्म पवन है तो वहां की उमस को पूरी तरह सोख लेती है। क्या कर लेती है? सोख लेती है, और वहां के जो लोग बीमार रहते हैं उनके लिए अच्छी वायु उपलब्ध, हवा उपलब्ध हो जाने के कारण, ठीक हो जाने के कारण, इसलिए इन हरमट्टन को क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन कहा जाता है। तो सिमूम होगी, सामून होगी। इधर से राजस्थान, यानी भारत का राजस्थान और पाकिस्तान में ये जो चलने वाली हवाएं, रेगिस्तानी या पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली हवाएं थार के मरुस्थल में, उन्हें कहा जाता है लू। क्या कहा जाता है? लू गर्म स्थानीय हवा है, लू गर्म स्थानीय हवा है। ये पार्ट आप जो देख रहे हो तारीम बेसिन वाला पार्ट है। कौन सा? तारीम बेसिन वाला पार्ट है। यहां पर जो हवा चलती है गर्म हवा, उन्हें कहा जाता है काराबुरान। कौन सी हवा? काराबुरान हवा है, जो गर्म है तारीम बेसिन में चलती है। नेक्स्ट अगली हवा है जो आप साइबेरिया वाले पार्ट में देख रहे हो, ये कजाकिस्तान वाला पार्ट, ये साइबेरिया या रूस वाला जो पार्ट है। ब्लिजार्ड जो हवा है वह अमेरिका, ग्रीनलैंड, फिनलैंड वाले क्षेत्र में चलती है, परंतु जैसे ये ब्लिजार्ड कहां पर चलती है? साइबेरिया वाले पार्ट में चलती है, वहां उन्हें बुरान कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? बुरान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्लिजार्ड को साइबेरिया या रूस या एशिया वाले पार्ट में बुरान के नाम से जाना जाता है, और यही बुरान जब शीतकाल में हिम के कणों के साथ हवा के साथ बहती है तो उन्हें पुर्गा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुर्गा। इस नाम से जाना जाता है, पुर्गा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हाँ, उसके अलावा जापान में जो पवन चलती है उसे योमा कहते हैं। इस नाम से जाना जाता है, जापान में जो हवा चलती है उसे योमा के नाम से जाना जाता है। योमा यहाँ, जोंडा यहाँ और सांता आना यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट, योमा गर्म स्थानीय हवा है जापान की। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जो हवा चलती है, ठीक है, गर्म हवा को, ऑस्ट्रेलिया में जो गर्म हवा चलती है उस गर्म हवा को कहते हैं ब्रिक फिल्टर्स। क्या कहते हैं? ब्रिक फिल्टर्स। ऑस्ट्रेलिया में गर्म हवा को क्या कहा जाता है? ब्रिक फिल्टर्स कहा जाता है, ठीक है। ये ब्रिक फिल्टर्स है जो विक्टोरिया वाला पार्ट या मरुस्थलीय पश्चिम मरुस्थलीय ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम मरुस्थलीय वाले पार्ट में चलती है। उसके अलावा विलीविली, ठीक है, विलीविली ऑस्ट्रेलिया की हवा है। विलीविली ऑस्ट्रेलिया की ठंडी स्थानीय हवा के नाम से जाना जाता है विलीविली। उसके अलावा ठंडी एक और दक्षिणी बस्टर्स, दक्षिणी बस्टर्स ये तस्मानिया वाला पार्ट है और ये ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग, न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, उसका पार्ट। यहां पर जो हवा चलती है उनको बोलते हैं दक्षिणी बस्टर्स, दक्षिणी बस्टर्स। उसके अलावा न्यूजीलैंड में जो गर्म हवा चलती है, न्यूजीलैंड में जो गर्म हवा चलती है उस गर्म हवा को कहा जाता है नॉर्वेस्टर। क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर। उसी तरह नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल में भी चलती है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड में जो चलती है वो गर्म है, यहाँ पर जो चलती है नॉर्वेस्टर, ठीक है, वो पश्चिम बंगाल में भी नॉर्वेस्टर कहा जाता है। तो ये विश्व की प्रमुख गर्म और ठंडी स्थानीय हवाओं की पूरी चर्चा हमने कर ली है। तो वायुमंडल का जो टॉपिक है इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कौन सी हवा कहाँ है। इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या हो सकता है? एक तरफ तो वो दे देगा हवाएं और दूसरी तरफ प्लेस के नाम सुमेलित कीजिए। एक तरफ देगा हवाएं और दूसरी तरफ दे सकता है क्या देगा कि कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है, आपको कौन सा युग्म सही है ये पहचानना होगा।
तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी, कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी, जब मैंने पूरी क्लियर कर दी उनके प्लेस भी इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर मार्क कर दिए। ठीक है, थैंक यू, एंजॉय, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा।